जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं के अपडेट मैं आप तक लेकर आता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज बड़ी अपडेट है बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर, जिसका प्रीलिम्स का यानी कि पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब दिया जाएगा और कब तक आपके जो है मेंस के एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही 10 अप्रैल को एक अपडेट दिया गया था यहाँ पर। इस अपडेट को मैंने आपको दिखलाया भी था। इस अपडेट में साफ साफ चेतावनी दी जा रही थी कि कोई भी प्रोटेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है आपका यहाँ पर इस एग्ज़ाम को लेकर, है ना। इसके ऊपर कार्य चल रहे हैं और यहाँ पे तीनों चरणों की परीक्षाएं जो उपरांत हुई हैं, परीक्षा फल तैयार करने के संबंधी गोपनीय कार्य भी हो रहे हैं तेज़ी से, यहाँ पर अपडेट दिया गया था। इसके निकट भविष्य में शीघ्र परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो रिज़ल्ट है ये आपका 15 अप्रैल तक आने का संभावना था। यहाँ पे इसका अपडेट भी दिया गया था, एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था, लेकिन ये डेट जो है एक्सटेंड अब हो सकता है। इसके पीछे भी कारण है यहाँ पे कि बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर ही नहीं, बिहार एसएससी के तहत और भी जो परीक्षाएँ हैं उसको लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट दिए गए थे। जैसे कि मैंने कल आपको इसके बारे में अपडेट दिया था, परिचारी की इस वैकेंसी को लेकर जिसका नोटिस जारी हुआ था और उन लोगों को आवेदन करने के लिए बोला गया है जो लोग 2019 में इसका फॉर्म भरे थे ऑफलाइन मोड पे जाके। लेकिन अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नए सिरे से इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो इसमें ये अपडेट दे दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आप बिहार GAD यानी कि बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा कैबिनेट डिसीजन में जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और उसके बाद आप आएंगे इस सेक्शन पे जो कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा जो कि BASS की तरफ से अपडेट किया गया है और ये नोटिस संख्या है 173। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग और इस अपडेट में आपको जो बातें कही गई हैं उसको बस ध्यान से समझना है। चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी कि इस परीक्षा के रिज़ल्ट में आने में थोड़ी विलंबता हो रही है, उसके पीछे कारण है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो कार्यालय आदेश दिए गए थे ये 14 मार्च 2023 द्वारा कि कुल 26 सहायकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में 13 अप्रैल 2023 तक के लिए किया गया था। अब ये जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किए गए एक अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित सहायकों को, है ना, ये सहायक सचिवालय सहायक की बात हो रही है, प्रतिनियुक्ति को लेकर 30 अप्रैल तक ये विस्तारित किया जाता है। कुछ ये नाम हैं उनके जिनको कि पद स्थापित किया गया था विभाग के जरिए उन कार्यालयों में, जो कि कार्यालयों का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अभी तक पदयुक्ति जो है यहाँ पे पदस्थापित जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हो पाया 13 अप्रैल को, ये जो है 30 अप्रैल तक डेट एक्सटेंड हो गया। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है आपके बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आने को लेकर, इस प्रक्रिया में अभी और विलंबता हो सकती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम मानेंगे कि 15 मई तक जो है आपका इसका पीटी का रिज़ल्ट आ सकता है। रिज़ल्ट आने के बाद जो है आपका एक फॉर्म भरवाया जाएगा जो कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल मेंस को लेकर होगा, ठीक है, और एक महीने के अंदर ये फॉर्म भरा लिया जाएगा और हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में जो है इसका मेंस का एग्ज़ाम भी लिया जाए। तो अभी डेट कंफर्म मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये जुलाई तक का ही डेट दिया गया था कि जुलाई में मेंस ले लिया जाएगा, पर जुलाई से अगस्त भी है डेट एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, जहाँ पर छात्र पूछ रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब आते हैं कुछ खबरों पे जहाँ पर नई वैकेंसीज़ के नए अपडेट दिए जा रहे हैं। वैसे तो मैं लगातार आपको वैकेंसीज़ के अपडेट दे रहा हूँ, कल भी मैंने आपको एक वैकेंसी का अपडेट दिया था जो कि वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पे लगभग 50,000 सीट वैकेंट है, जहाँ पर लैब असिस्टेंट, विद्यालय परिचारी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसका इंतज़ार यहाँ पे छात्र कर रहे हैं। और ये वैकेंसीज़ को लेकर यहाँ पे एक न्यूज़ भी अपडेट किया गया था जिसको कि आप लोग देख सकते हैं, और ये न्यूज़ अपडेट दिया गया था दोस्तों प्रभात खबर के अपडेट की तरफ से कि इनकी बहाली की प्रक्रियाओं के लिए जो अधिसूचनाएं हैं वो भेजी गई हैं। अब यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस बहाली की प्रक्रिया को भी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 10,000 सर्वेयर जो, और सर्वेयर नहीं, सर्वे कर्मी, जो कि भू राजस्व विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसका कि मैंने अपडेट आपको ऑफिशियल दे दिया है, उसका एक सिलेबस वीडियो भी बना के आपको अपडेट कर दिया है, उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार में दरोगा बहाली को लेकर भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि दरोगा की बहाली कब तक आएगी, उसके बारे में कुछ अपडेट दिया जाए।
तो तैयारी करते रहिए आप लोग। मोस्ट प्रॉब्ली जून अपडेट कर दिया गया है, जहाँ पे डाइल 112 के लगभग जो है यहाँ पर 7808 पदों की वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें दोस्तों दरोगा की अगर बात करें तो 800 से लेकर 900 तक के पोस्ट शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो BPSSC के माध्यम से वैकेंसी आने वाली है, इस बहाली की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो जुलाई तक जो है ये आपका हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब ये जुलाई में क्यों कह रहा, चूँकि जून में इसका वैकेंसी निकाला जाएगा, ये भी BPSSC और CSBC के माध्यम से, चूँकि इसमें कांस्टेबल का भी रिक्रूटमेंट है, तो ये अपडेट किया जाएगा। हो सकता है कि उसी के आसपास जून या जुलाई में ही आपका BPSSC का भी नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। आइए बिहार की कुछ अपकमिंग वैकेंसीज की और चर्चा करते हैं, जहां पे आज की खबर हिंदुस्तान से अपडेट किया गया है। शिक्षा विभाग को लेकर शिक्षकों की कमी को लेकर जूझ रहे हैं कॉलेज, तो यहां पर प्राध्यापक को वैकेंसी निकाली जाएगी, जहां पर सहायक यानी कि असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिनमें से 3000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की बात कही गई है। इसकी कार्य योजना तैयार की गई है और राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया इस साल के हर हाल में शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि समय जो है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, इसको लेकर यहाँ पे पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित भी हो रही है, लिहाजा शिक्षा विभाग ने नई नियुक्ति योजना बनाई है जिसको कि काम तेज़ी से भी चल रहा है। तो ये आपको एंड ऑफ ईयर यानी कि नवंबर दिसंबर तक इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिए जा सकते हैं, जो कि बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेज़ में यहाँ पर इनकी रिक्रूटमेंट ली जा सकती है। इससे पहले 48 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव की हरी झंडी भी दे दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया इस साल पूरी भी कर ली जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसी क्रम में 3000 अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने लेकर इसकी उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जिसके लेकर यहाँ पर फैसले किए गए हैं। विज्ञान, कला, वाणिज्य और इसके अलावा अन्य तमाम आवश्यक विषयों पर रिक्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। विभाग इसे शीघ्र ही इसका अंतिम रूप देगा। इसी बीच यहाँ पर बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर जो नियमावली 2023 निकाली गई है, उस पर कुछ छात्र जो हैं यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको इसके बारे में भी कल क्लियर किया था कि वो कौन सी बातें हैं जिस पे कि जिस नियमावली को लेकर छात्र यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। सातवें चरण की आपकी जो वैकेंसी निकाली जानी थी यहाँ पे, जिसके लिए कि सरकार ने STET 2019 का एग्ज़ाम भी लिया था, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर विद्यार्थी जो है सड़क पर उतरे थे। कल बुधवार को इको पार्क के पास यहाँ पे जुटे अभ्यर्थियों ने पुलिस ने इनको रोका भी था और पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई थी, जिसके लेकर यहाँ पर बल का प्रयोग किया गया। दो अभ्यर्थियों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया था, इनको हिरासत में लेकर सचिवालय पुलिस थाना यहाँ पर ले गया गया। देर शाम तक अभ्यर्थियों को छोड़ा भी गया। इनको प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और TET, STET और SCTET को लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली मेधा के आधार पर तुरंत ही यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, ना कि यहाँ पे BPSC के माध्यम से इनको फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए, ऐसा इनका मांग है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जिसको लेकर मैंने आपको अपडेट किया, अन्य खबरों को लेकर जो भी आप तक पहुँचानी थी और अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अपडेट किया। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में, जहाँ पर 15 मई से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैच। और इस बैच में आपको टेलीग्राम पे क्विजेज कराए जाएंगे, जहाँ पे GK के लिए क्राउन पब्लिकेशन का बुक, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक, साइंस के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन, करेंट अफेयर के लिए स्पीडी जो करेंट अफेयर आया है लेटेस्ट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये 2 महीने का पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस वाइज जो है आपका कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप भी जुड़िए हमारे साथ इस बैच में और दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है और ये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।